हेलो गाइस, मैं केस। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो पहले हम देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या होता है गवर्नमेंट कॉलेज का। सो वी विल डिस्कस सम टिप्स जिससे कि आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा सकते हो। लोएस्ट कट ऑफ रेंज कितना होगा वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और लिस्ट ऑफ कॉलेज भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आप ले सकते हो इन महाराष्ट्र, जो कि होंगे आपके गवर्नमेंट कॉलेज। सो यस गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो यस गाइज, पहले हम देखते हैं बेनिफिट्स क्या है आपके गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो होगा आपका लो फीस, राइट। तो फीस की अगर हम बात करें तो एज सच, अगर बस हम मुंबई की ही बात करें तो मुंबई में अगर आप कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ले रहे हो तो उसका लोएस्ट फीस जो होगा वो होगा 1,05,000, 1,01,000 ऐसा। और हाईएस्ट फीस वो चले जाएगा आपका 3.45, 3.5, 3.45 अगर आप जानोगे तो केजे सोमया एक कॉलेज है मुंबई में जिसका कि पर ईयर फीस है 3.45 लाख, राइट। 2 लाख तो नॉर्मल होते हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग के लिए, बट 3 लाख, 4 लाख ऐसे चले जाते हैं। बट यहीं पर अगर मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का बात करूं तो यहां पर जो आपका फीस होगा वो चालू होता है आपका 60,000 से लेकर 85,000 तक, राइट। ये 89,000 भी चले जाता है अगर मैं बात करूँ ये VJTI कॉलेज का, तो इसका जो फीस है आपका वो है 89,000, राइट। तो आपका फीस 60,000 से 85,000 इन जनरल अगर हम बात करें तो 1 लाख के अंदर आपका फीस होगा पर ईयर, विच इज़ अ वेरी लो फीस कंसिडरिंग कि आप एक इंजीनियरिंग डिग्री ले रहे हो। तो लो फीस होता है इसका। एडेड कॉलेज होता है तो आपका लो फीस इसके लिए होता है क्योंकि ये एडेड कॉलेज होता है। तो एडेड कॉलेज का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट से फंड्स लेता है कॉलेज फॉर डूइंग डे टू डे एक्टिविटीज इन योर कॉलेज। तो इसके लिए आपका फीस जो है वो भी कम हो जाता है एडेड कॉलेज होने के वजह से। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेट एयर। तो आपको अब डाउट होगा ये क्या बात हो रहा है यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, बट इसका मतलब ये होगा कि लेट्स से आपका फीस जो है हम पकड़ लेते हैं मैक्सिमम 1 लाख है, राइट। इतना होगा नहीं, 89,000, 60,000 होता है, बट हम पकड़ लेते हैं यहाँ पर राउंड ऑफ करके कि 1 लाख है। तो आपका 4 लाख टोटल फीस होगा। और यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन इस सर डिग्री लेकर प्लेसमेंट लोगे तो आपका जो एवरेज पैकेज होता है वो अराउंड 8 लाख होता है। लाइक आपका CGPA अच्छा, आपका टेक्निकल अच्छा, तो आप हाईएस्ट पैकेज विच कैन बी लाइक मोर देन 15 लाख पर एनम आप अचीव कर सकते हो प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप 4 लाख भरे हो और आपको प्लेसमेंट मिल रहा है 15 लाख का। यही चीज़ अगर हम प्राइवेट इंजीनियरिंग का बात करेंगे तो आप वहाँ पर 8 लाख फीस भरोगे, राइट। ये लाइक मिनिमल फीस है गाइस, 8 लाख, इससे भी ज़्यादा होते हैं, बट 8 लाख हम 2 लाख पर ईयर पकड़ के चल रहे हैं। तो 8 लाख आप यहाँ पर फीस भरोगे और यहाँ पर इनका एवरेज प्लेसमेंट होता है 5 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज आता है आपका 12 लाख पर एनम। तो क्लियरली आप जो है इसका और इसका रेशियो लेकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो आपको ROI है विच इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी ग्रेट है, राइट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि आपका लो फीस है प्लस प्लेसमेंट भी आपको अच्छा मिल रहा है। कंपनीज़ गवर्नमेंट कॉलेज को ज़्यादा रेफर करती हैं क्योंकि कट ऑफ हाई होता है, उनको पता होता है कि यहाँ पर जो बच्चे आएंगे वो पढ़ने में अच्छे होंगे, लाइक दे विल बी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेट है। नो इंस्टीट्यूट सीट्स, अ वेरी प्लस पॉइंट, लाइक अ वेरी ग्रेट पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा आपका जब सीट का लिस्ट आएगा CET के बाद तो वहाँ पर कैप राउंड सीट्स होते हैं, माइनॉरिटी सीट्स होते हैं और इंस्टीट्यूट सीट्स होते हैं, राइट। तो इंस्टीट्यूट सीट्स वो होता है कि जिन्हें कैप राउंड के द्वारा एडमिशन नहीं मिला है वो डोनेशन भर कर एडमिशन ले सकते हैं उस कॉलेज में। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होता कि आपको पैसे के थ्रू एडमिशन होगा, आपका जो भी होगा वो मेरिट के बेसिस पर होगा, राइट। जितना भी आपने परसेंटाइल लाया है, उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होगा इस कॉलेज में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यही चीज़ अगर मैं प्राइवेट का बात करूँ, काफ़ी कम प्राइवेट होता है ऐसे, बट मोस्टली एक कॉलेज है जिसके ऊपर कि मैं सोच रहा हूँ रिव्यू बनाने, बट आई थिंक सो कि काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएगा इसके लिए मैं बना नहीं रहा हूँ। एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि आप CET दिए हो या ना दिए हो, आपने बोर्ड्स दिया है या नहीं दिया है,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस फीस भरना, आपको डोनेशन भरना एंड यू विल गेट एडमिशन इन टू दिस कॉलेज। तो यहाँ पर आपको 90% वाले बच्चे भी मिलेंगे, आपको ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जिसका 30% आया, ऐसे भी मिलेंगे जिसने CET दिया ही नहीं है, बट यहाँ पर अगर कट ऑफ है आपका 99.7 तो आपको उसी रेंज में बच्चे मिलेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट? नो इंस्टीट्यूट सीट्स आर अवेलेबल हियर। तो एक महीने में क्या हम ले सकते हैं, वो हम टिप्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लाइक अच्छे कट ऑफ रेंज में मिल सकता है, राइट? तो वो भी हम देखेंगे आगे जब टिप्स हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी सीट्स आर अवेलेबल, कट ऑफ इज़ लेस देन यूजुअल, राइट? तो रिजर्व्ड जो सीट्स होते हैं जैसे SC ST ओपन, आपके ओपन के लिए नहीं होता है, SC ST OBC उनके लिए आपका कट ऑफ जो है वो भी कम हो जाता है। सो लेट्स से अगर कोई कट ऑफ है एक कॉलेज का 97.2 तो वो 97 तक आ जाता है OBC वालों के लिए, और 0.2-0.3 और डिग्रीज हो जाता है फॉर SC ST VJ N1 N2 कैटेगरी। तो यस, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए भी सीट्स होता है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर वुड नॉट बी ग्रेट बट अकॉर्डिंग टू फीस इट्स ऑसम, राइट? VJTI COEP में आपको अच्छा सा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, बट कई ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं मिलेगा, लाइक क्लासरूम अच्छे नहीं मिलेंगे, बट आई डोंट थिंक सो दैट मैटर्स बिकॉज आप जा रहे हो कॉलेज फॉर प्लेसमेंट। 4 साल बाद ये नहीं याद रखने वाले हो कि मेरे कॉलेज का क्लासरूम गंदा था, राइट? एंड रिजल्ट आपको कैसा मिल रहा है, विच इज़ द प्लेसमेंट दैट ओनली मैटर्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक अच्छा नहीं होता इतना, बट लाइक इतना भी ख़राब नहीं होता है, बट डिसेंट होता है, बट अकॉर्डिंग टू द फीस जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा, इट्स ऑसम। नेक्स्ट पॉइंट जो कि मैंने बोला, प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं यहाँ पर, एवरेज पैकेज आपका 5-6 लाख पर एनम जाता है, और अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो 10 लाख पर एनम आपको फर्स्ट लाइक फ्रेशर आपको मिल सकता है। तो प्लेसमेंट भी यहाँ पर अच्छे मिलते हैं, रिक्रूटर्स अच्छे आते हैं, कई कंपनीज आते हैं, अमेजोन भी आ जाते हैं, जो आपके फैंग आप बोलो या मैंग बोलो, क्योंकि फेसबुक अब मेटा हो चुका है, जो भी हो रिक्रूटर्स आते हैं यहाँ पर, अच्छे कंपनीज आते हैं। ऑटोनॉमस कॉलेज होता है, तो ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि जो भी आपके एजुकेशन करिकुलम है, एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम डेट्स है, वो कॉलेज खुद डिसाइड करता है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि लेट्स से आपका सिलेबस पीछे चल रहा है तो कॉलेज एग्ज़ाम डेट जो है वो आगे कर सकता है, बट जो कॉलेज अफिलिएटेड होते हैं कोई यूनिवर्सिटी से, उन्हें यूनिवर्सिटी का सुनना पड़ता है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है ऑटोनॉमस का। कट ऑफ अब हम देखते हैं गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लेट्स सी द कट ऑफ ऑफ फ्यू कॉलेजेस। अब यहाँ पर मैं आपको जो अच्छे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका ही कट ऑफ बताऊँगा। तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहला जो भी मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर आपका कॉलेज कोड होगा, राइट? तो कॉलेज कोड भी हेल्पफुल हो सकता है आपको कॉलेज सर्च करने के लिए। ये आपका कॉलेज कोड होगा एंड द फर्स्ट कॉलेज इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम बस कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखेंगे, सारे आपको लाइक सारे ब्रांचेस का कट ऑफ देखना है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट यहाँ पर हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ही देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑटोनॉमस है, तो इसका यहाँ पर जो कट ऑफ है दैट इज़ 97.07। और यहाँ पर और कैटेगरी वाइज कैसे कट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो 97.07 में आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करने मिल रहा है इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है यवतमाल वाला कॉलेज, यहाँ पर आपका 94.6 है परसेंटाइल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, यहाँ पर आपका है 97.5 परसेंटाइल। अगर हम आगे का देखें तो दिस इज़ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर, दिस इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पर आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यू आर गेटिंग इट इन 78.3 परसेंटाइल। नेक्स्ट कॉलेज इज़ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, यहाँ पर आपका परसेंटाइल है 95.5। सो इज दिस वे सम कट ऑफ लिस्ट गाइस। लास्ट में अगर हम देखें, दिस इज़ अ कॉलेज विच इज़ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च आवासारी कोल्ड, आई डोंट नो विच प्लेस इज दिस बट आई गॉट इट फ्रॉम कट ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ इज़ 94.3। तो ये भी एक अच्छा कॉलेज है गाइस, क्योंकि कट ऑफ इसका अच्छा है। और इलाइट अगर हम देखें तो ये जो हमने देखे ये कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस है जो कि लाइक नागपुर में, यवतमाल है, पूरे महाराष्ट्र के लाइक कोने कोने में बेस्ड है। अगर हम एकदम टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के बात, जिसे कि मैंने नाम दिया इलाइट गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो आपका परसेंटाइल है फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग इट इज़ 99.91। और एक कौन सा कॉलेज है, दिस इज़
VJTI विच इज़ वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। लाइक आई डोंट नीड टू से, बट यहाँ पर आपको अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है तो आपको टॉप 100 रैंक आना ही पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा, राइट। फर्स्ट 100 रैंक आपका आना पड़ेगा, तभी आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग इस कॉलेज में मिलेगा। तो ये था अबाउट दिस। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये है आपका सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अंधेरी, इसका आपका जो कट ऑफ है इट इज़ 99.7, अगेन अ गुड कॉलेज विच इज़ लोकेटेड इन मुंबई। काफ़ी अच्छे इसमें प्लेसमेंट मिलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है ये। सो यस, दिस वॉज द सरदार पटेल। नेक्स्ट अगर हम देखें, दिस इज़ COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ है इट इज़ 99.8, राइट। तो इसका भी, इसमें भी आपको पता होगा COEP का कैसा आपको प्लेसमेंट मिलता है। 6006 इज़ योर इंस्टीट्यूट सीट्स। जो बच्चे लाइक काफ़ी ज़्यादा मैड होते हैं, लाइक जिन्हें COEP चाहिए उन्हें सब चीज़ याद होता है, लाइक उसका इंस्टीट्यूट नंबर क्या है विच इज़ दिस नंबर, कट ऑफ क्या है लास्ट दो प्रीवियस ईयर की, तो ये सब पता होता है क्योंकि उन्हें वही कॉलेज में जाना है। तो ये आपके एलाइट गवर्नमेंट कॉलेज गाइस, जिसमें कि आपको प्लेसमेंट अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो एवरेजली तभी आपको 10-12 लाख मिल जाएगा, बट अगर आपका CGPA अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है, तो यू कैन क्रॉस 20 लाख प्लस ऑल्सो। सो यस, दिस इज़ द COEP कॉलेज। नेक्स्ट अगर हम देखें, टिप्स डिस्कस करते हैं हम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू शुड नो ईच एंड एवरी टाइप स्लैश पैटर्न ऑफ क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम। तो हर एक पैटर्न के जो क्वेश्चन आते हैं, लेट्स से SHM है, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस है, वेव मोशन है आपका, वेव ऑप्टिक्स है, सेमी कंडक्टर्स है, ये फिजिक्स के बात कर रहा हूँ मैं, और मैथ्स में अगर बात करें कंटिन्यूस आपके जो भी कैलकुलस है और आपका एलजेब्रा पार्ट है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न कैसे आ रहे क्वेश्चन के, राइट। पैटर्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैटर्न रिपीट होते रहते हैं, वैल्यूज़ चेंज करके और कुछ एडिशनल पूछ लेते हैं आपको उसके बारे में, बट पैटर्न सेम होता है। तो हर एक टाइप का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा आपको? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और अभी तक आपने नहीं किया देन और टाइम नहीं है अपने पास। मॉक टेस्ट, राइट, यहाँ पर इमोजी इसलिए मैंने डाला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बार मैं बोल चुका हूँ मॉक टेस्ट सॉल्व करो। ऑलरेडी मॉक टेस्ट आई हैव प्रोवाइडेड विच यू कैन फाइंड एट दिस बाय क्लिकिंग हियर एट द आई बटन। मॉक टेस्ट मैंने प्रोवाइड किया था, आई डोंट नो लाइक मोर देन आई थिंक सो 80-70 लोगों को मैंने खुद आंसर का लिंक भेजा। तो यस, मुझे अच्छा लगा ये करके क्योंकि लोगों ने मॉक टेस्ट रियली सॉल्व किया। सो यस, मॉक टेस्ट, एंड यहाँ पर जैसा मैंने लिखा है, स्टिल टाइम इज़ देयर, 1 month है अभी भी। और रिसेंटली कल ही मुझे मैसेज आया एक लड़के का कि क्या आपने सच्ची में 1 महीने में पढ़ा? तो यस, मैंने 1 महीने में ही पढ़ा था। ये कंटेंट बनाने के लिए मैं आपको कोई कुछ भी बोलूँगा नहीं, जो भी है मैं सच बोलूँगा आपको। 1 महीने में मैंने ही पढ़ा था, ना तो मेरे पास कुछ बुक्स था, मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था डैट से, और बहुत अच्छे से फार्मूला ये सब पढ़े थे। एक गलती था, मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व किया था, वो किया होता तो आई थिंक सो एक अच्छा परसेंटेज आ गया होता। बट एनीवेज, मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मूलाज आपको आना चाहिए, हर एक फार्मूला लाइक वेरिएशंस उसके क्या है, आपको सारे चीज़ आने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, ये तभी आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट दोनों सॉल्व करोगे अच्छे से, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए, राइट। और अगर हम देखें तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टेक्स्ट बुक, तो आपको टेक्स्ट बुक का हर एक पॉइंट आना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सब्जेक्ट विच इज़ नोन एज केमिस्ट्री, राइट। केमिस्ट्री के लिए तो लाइक अगर आप पी ब्लॉक ये सब देखोगे तो कोई भी टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ आता ही नहीं है आपका, कोई भी क्वेश्चन रहने दो। तो टेक्स्ट बुक का आपको हर एक पॉइंट आना चाहिए। तो कंक्लूजन देखते हैं हम, तो कंक्लूजन की बात करें अगर हम, To get into a good government college, you need to score at least 95% percentile. हमने देखा कोई college 94-93 percentile में भी मिल रहे थे, but एक अच्छा आपको government college चाहिए जिसके कि placement like काफ़ी अच्छे हैं। और मैं computer engineering की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कोई और branch के लिए आपको like 80+ में भी मिल जाएंगे, but I am talking about a quality placement। अगर आपको चाहिए तो आपको 95+ percentile लाना ही पड़ेगा यहाँ पर टू गेट इन टू अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज। And for getting into a elite college, you need to score 99.7+ percentile. Elite college जो कि हमने देखा अभी SPIT, sorry, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और आपका VJTI, ICT हो गया, ये सारे colleges में आपको 99.7+ लाना ही पड़ेगा। So yes, this was conclusion guys. सब चीज़ें हमने देख लिया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस कैसे होता है। ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, ऑलरेडी कॉलेज रिव्यू में आने वाले और भी वीडियोस और बना चुका हूँ जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का कॉलेज रिव्यू मैंने किया है, तो आप कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो गाइस।
So yes, this was the conclusion, guys. And thanks for watching. If you like this video, make sure to like, share it with your friends and do subscribe, guys. और लाइक करना ज़रूरी है गाइस, लाइक करो तभी बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा. एंड यस गाइस, टिल देन टेक केयर. एनी डाउट्स मेक श्योर टू कमेंट और यू कैन मेल मी. एंड मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में. बाय.